हालत बहुत ख़राब हो चुकी है मिट्टी में, क्योंकि 2 घंटे से हल चला रहा हूँ मैं, हल तो क्या कह सकते हैं, पावर टिलर हमारे बगीचे में, इसमें अब हल नहीं लगा सकते हम, तो इसमें पावर टिलर का ही यूज़ करते हैं। बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं कैसे हम इसमें धनिया बीज रहे हैं। हमने गेहूं की बुआई भी कर दी है, जो आगे का खेत दिख रहा है आपको, इसमें हमने गेहूं की बिजाई कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया भी लगा रहे हैं ताकि अपना मसाला हमारा अपने काम आ सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अपने घर की मिर्चें, इसमें कुछ मिर्चें लाल और कुछ हरी, इसे हम मसाले और अचार के लिए यूज़ करते हैं। सामने देखिए ये हमारा पावर टिलर, और उसी के साथ ही हमने कुछ लहसुन लगाए हैं। और ये देखिए हमारी बेटी, ये हमारे खेत में बैठने की जगह है जहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोन चला रही है। और ये हमारे हस्बैंड जी धनिए की बिजाई कर रहे हैं अभी। इन्होंने इधर पूरे खेत में, ये देख सकते हैं आप, जो हमारा गेहूं का खेत है, इसमें पूरे मतलब गेहूं की बिजाई की है सेब के बगीचे के बीच में। अब देखिए गाइस, हम आपको अपना टिलर दिखाते हैं कि हम इससे कैसे खेत जोतते हैं। तो ये हस्बैंड जी टिलर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भी आजकल टिलर से ही बिजाई करते हैं या हल से, बेल द्वारा हल जोतते हैं, और कौन कौन सी फसलें आप अपने खेतों में लगाते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो नए हैं हमारे चैनल में वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारी हस्बैंड जी कैसे जुताई कर रहे हैं। एप्पल के बीच में जुताई करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इसमें साथ ही साथ पौधों को भी बचाना पड़ता है ताकि हमारे पौधे ना हों, जो हमने इतने सालों से मेहनत की है। देखिए गाइस, बिना बारिश के धूल ही धूल हो रही है, बिल्कुल सूखा है। सो गाइस, आज की वीडियो हम यही, आज का ब्लॉग हम यही पूरा करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।